नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण प्रकरण राजस्थान की चित्रकला एवं उनके विभिन्न चित्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो विषय है एक महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ से जो प्रश्न आपके बनते हैं चित्रकारों से कि कौन सी शैली का कौन सा चित्रकार है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण और बहुत ही जो रोचक तथ्य हैं, रोचक जो ट्रिक है उसके माध्यम से इस क्लास को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे आपको ये चित्रकारों के नाम अभी इसी क्लास में याद हो जाएं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किशनगढ़ के चित्र शैली के जो चित्रकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए भाई, यहाँ एक जो ऊपर एक छोटी सी ट्रिक लिखी हुई है, आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है ट्रिक? कि नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना। भैया क्या है, नानी कहाँ जाएगी? किशनगढ़ जाएगी। नानी कहाँ जाएगी मित्रों? नानी जाएगी किशनगढ़। नानी को कहाँ जाना है? किशनगढ़ जाना है। किशनगढ़ से क्या लेकर आना है? मोर लेके आना है। नानी किशनगढ़ से, अर्थात किशनगढ़ से आप याद रख सकते हैं ये सारे के सारे चित्रकार कहाँ के हैं? किशनगढ़ के। तो नानी को किशनगढ़ भेजना है और क्या लेकर आनी है नानी को? भाई मोर लेके आनी है। देखो भाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कठिन जो विषय हमारे लिए है, बहुत सरल आसान शब्दों में इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, नानी के ना से बना है भाई, क्या बना है? नानक से नानक राम। क्या बना है? ना से नानक राम। इधर नी से बात करें, नी से क्या बना है? निहाल चंद और अमीर चंद, याद रखें हमें। तू से तुलसीदास और बदन सिंह। अच्छी अच्छी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना हमारी बन जाती है और ये प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तू से तुलसीदास बनेगा, बदन सिंह बनेगा, से सीताराम बन जाएगा, मोर से मोर ध्वज और सूर ध्वज बन जाएगा, ला से लाडली दास बन जाएगा और ना से नागरी दास बन जाएगा। अर्थात ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं मित्रों कहाँ के हैं? किशनगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? किशनगढ़ के। और किशनगढ़ की आपकी कौन है? नानी भी आपकी कहाँ कर की है? किशनगढ़ की। और किशनगढ़ में नानी जा रही है और नानी जाकर क्या ला रही है भाई? मोर ला रही है। तो नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना, इस तरह से आपको कहना है। बहुत ही रोचक अच्छा वाक्य है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ये वाक्य आपको याद है तो निश्चित रूप से आपको किशनगढ़ शैली के जो विभिन्न चित्रकार हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको निश्चित रूप से याद होंगे। नानक राम, निहाल चंद, अमीर चंद, तुलसीदास, बदन सिंह, सीताराम, मोरध्वज, सूरध्वज, लाडलीदास, नागरीदास, ये सारे के सारे कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित है। नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना। दोस्तों, ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप क्लास को हमारी को लाइक ज़रूर करें। आगे हम चर्चा करते हैं, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए भाई, अगली स्लाइड हमारी है किससे संबंधित है भाई? अलवर शैली से। कौन सी शैली से? अलवर शैली से हमारी स्लाइड है कि अलवर शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं। देखिए भाई, यहाँ पर ये छोटू है और छोटू गुलाब जामुन बना। छोटू से ये जो कि छोटू की गर्लफ्रेंड है, देखो कितनी क्यूट सी है, ये जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो कह रही है छोटू से कि छोटू क्या बना भाई? गुलाब जामुन बना। छोटू से क्या कह रही है इसकी गर्लफ्रेंड कि क्या बना भाई? गुलाब जामुन बना, गोल गोल बढ़िया शानदार रसदार गुलाब जामुन बना। और ये छोटू से क्या बन जाएगा भाई? छोटे लाल बन जाएगा। छोटू से क्या बन जाएगा? छोटू लाल बन जाएगा। गुला से गुलाम अली बन जाएगा, वैसे बलदेव बन जाएगा, जामुन से जामुन दास बन जाएगा, जमुना दास बन जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें, वैसे वक्साराम बन जाएगा और ना से नंदलाल बन जाएगा। देखिए भाई, अलवर शैली के चित्रकार और छोटी सी एक आपको वाक्य याद रखना है कि छोटू गुलाब जामुन बना, अर्थात ये अलवर के दोनों एक कपल हैं और ये इसकी गर्लफ्रेंड इससे कह रही है कि भाई छोटू, इसका नाम छोटू है, इसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? छोटू। और ये कह रहा है कि ये गर्लफ्रेंड कह रही है कि छोटू गुलाब जामुन बना, आज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है। तो छोटू बिल्कुल तुरंत गुलाब जामुन बनाने में अपना कार्य करता है, गुलाब जामुन बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, छोटू से अर्थात छोटे लाल, गुला से गुलाब गुलाम अली, वैसे बलदेव, जामुन से जमुना दास और वैसे बक्साराम और ना से नंदलाल। दोस्तों, आपको ट्रिक पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हमें याद रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अलवर शैली के चित्रकार हम देख चुके हैं, आगे देखें नाथद्वारा शैली के चित्रकार। नाथद्वारा शैली के चित्रकार भाई देख लीजिए, नाथद्वारा शैली के चित्रकार क्या कह रहे हैं? चंपा दियो नारो, अर्थात चंपा ने क्या दे दिया भाई? नारा दे दिया है। चंपा ने क्या दे दिया है? नारा दिया है। चंपा दियो नारो कि चंपा ने नारा दिया, उधर कोयला घिसो चारो,
चंपा दियो नारो उधर कोयला घिसो चारो। क्या कहा गया है? चंपा दियो नारो, दो तीन बार बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको लय इसकी बनेगी। चंपा दियो नारो उधर कोयला घिसो चारो, चंपा दियो नारो उधर क्या घिसा जा रहा है? कोयला घिसा जा रहा है। चंपा दियो नारो उधर कोयला घिसो चारो, अर्थात चंपा से क्या बनेगा? चंपा लाल। चंपा से क्या बनेगा मित्रों? चंपा लाल। नारो से क्या बनेगा? नारायण। उदय से उदयराज, उधर से उदयराज बनेगा। को इला अर्थात कमला और इलायची महत्वपूर्ण है, कमला और इलायची दोनों ही। घीसो से घासीराम और चारों से चतुर्भुज, ये सारे के सारे मित्रों कहाँ से संबंधित है? नाथद्वारा से, चित्रशैली के चित्रकार हैं ये। क्या कहा है भाई नाथद्वारा वालों ने कि चंपा दियो नारो, की चंपा ने नारा दे दिया उधर कोयला घिसो चारो। चंपा दिया नारो, चंपा ने क्या नारा दिया? उधर कोयला घिसो चारो। चंपा ने नारा दिया है कि उधर जाके चारों की चारों क्या घिसो? कोयला घिसो। अर्थात कहाँ पर घिसने हैं? कोयला नाथद्वारा में घिसने हैं। और नाथद्वारा से आपको याद हो जाएगा चंपा दियो नारो कोयला घिसो चारो, अर्थात चंपा लाल नारायण उदयराज कमला इलायची घासीराम चतुर्भुज, ये सारे सारे कहाँ के चित्रकार हैं भाई? नाथद्वारा के चित्रकार हैं। कहाँ के हैं? नाथद्वारा के चित्रकार हैं सारे के सारे। चलिए मित्रों, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगला हम देखते हैं, यहाँ डबल वार नाथद्वारा आया है, कोई बात नहीं। ये देखिए जयपुर चित्रशैली के चित्रकार, जयपुर चित्रशैली के चित्रकार क्या कहते हैं भाई? ये जय तेरी साली साहिबा गौरी है, जय तेरी काली जो साली है साहिबा गोरी है, हुक्म रोज लाली लगाती है। अर्थात जय कह रहा है, जय कह रहा है किससे? कि तेरी जो साली है, ये जो साली है ना, ये वाली, ये कैसी है? गोरी है। तेरी साली साहिबा कैसी है भाई? गोरी है। जय कह रहा है तेरी साली साहिबा कैसी है भाई? गोरी है। ठीक है, हुक्म रोज लाली लगाती है। और ये क्या कहता है कि गोरी है और वो क्या लगाती है? रोज़ होठों पर क्या लगाती है भाई? लाली लगाती है। होठों पर क्या लगाती है? लाली लगाती है। क्या कह रहा है? जय तेरी साली साहिबा गोरी है, बहुत अच्छी है, सुंदर है, और हमेशा वो हुक्म रोज क्या लगाती है भाई? लाली लगाती है अपने होठों पर। तो इस तरह से आपको जयपुर शैली के जो चित्रकार हैं वो आसानी से याद किए जा सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, कि जय तेरी साली साहिबा गोरी है, जैसे जयपुर मान लेना आप, है ना, ताकि आपको याद रहेगा। जय तेरी साली साहिबा क्या है? गोरी है और हुक्म रोज लाली लगाती है, और हुक्म रोज अपने होठों पर क्या लगाती है? लाली लगाती है, जिससे उसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। तो देखिए भाई, जैसे तो जयपुर बन गया, आपको याद रखना है जयपुर, त्रिलोक, शालिग्राम, साहिबराम, गोविंदराम, हुकमा, रामजीदास, लालचंद। हुकमा वेरी इंपॉर्टेंट है, और लालचंद, ये सारे के सारे चित्रकार कहाँ के भाई? ये सारे के सारे चित्रकार कहाँ से संबंधित है? जयपुर शैली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जयपुर शैली से संबंधित है सारे के सारे चित्रकार। और जयपुर में जाकर आपको क्या कहना है कि जय तेरी साली साहिबा गोरी है, हुक्म रोज लाली लगाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे चित्रकारों की श्रृंखला जो जयपुर शैली से संबंधित है, आपको विशेष रूप से याद रखनी है। ये जो साली साहिबा को भी आपको याद रखना है, जो गोरी भी है और अपने होठों पर क्या लगाती है? लाली लगाती है। क्लास को लाइक से या सब्सक्राइब करते रहें। देखिए भाई, कोटा शैली के चित्रकार, कोटा शैली के भैया, कोटा शैली में ये क्या है? इसका नाम है रघु। इसका नाम क्या है भाई? रघु है। इसका नाम क्या है मित्रों? इसका नाम रघु है। और ये क्या है भाई? ये लक्ष्मी है। ये कौन है? ये तो रघु है, और ये क्या है भाई? लक्ष्मी है। ये रघु है और ये क्या है? लक्ष्मी है। अब क्या कह रहा है कि नया कोट तो रघु पहनेगा, नया कोट देव कोट पहन रखा है इसने, बढ़िया। रघु ने क्या पहन रखा है? नया कोट। तो नया कोट रघु और लुगड़ा लक्ष्मी पहनेगी। कोट तो कौन पहनेगा? रघु पहनेगा। कोट कौन पहनेगा? रघु पहनेगा। और लक्ष्मी क्या पहनेगी भाई? लुगड़ा पहनेगी। ध्यान रखना है आपको कि नया कोट तो रघु और लुगड़ा लक्ष्मी पहनेगी। कहाँ के चित्रकार हैं ये? कोटा के। कोट से कोटा याद रह जाएगा आपको। नया कोट रघु और लुगड़ा कौन पहनेगी? लक्ष्मी पहनेगी। अर्थात रघु तो कोट और लुगड़ा लक्ष्मी पहन लेगी। तो आपको कोटा शैली के जो चित्रकार है सारे के सारे याद होंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नया से क्या बन जाएगा? नया से नूर मोहम्मद बन जाएगा। कोट से कोटा याद रहेगा आपको। रघु से रघुनाथ, लू से लच्छीराम, गैसे गोविंद राम, डा से डालू राम, और लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण। ये सारे के सारे चित्रकार कहाँ के मित्रों? कोटा शैली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है ये? कोटा शैली से। दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान जीके को इसी तरह की बेहतरीन ट्रिक के, रोचक ट्रिक के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक भी करें, साथ में कमेंट्स भी आप नीचे करें कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए भाई, अगले देखें। ये देखिए बूंदी शैली के चित्रकार, छोटे से ही बूंदी शैली के कम हैं। देखो भाई, रामकिशन साधु को बूंदी दो। ये कहता है कि रामकिशन
किसको दो, साधु को क्या देनी पड़ेगी, बूंदी देनी पड़ेगी, तो बूंदी से आपको बूंदी याद रहेगा। रामकृष्ण साधु को क्या दो, बूंदी दो, रामकृष्ण साधु को बूंदी दो, रामकृष्ण साधु को बूंदी दो, एक दो बार बोलोगे तो आसानी से याद जाएगा। राम से रामलाल, कृष्ण से श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और साधु से साधु राम। ये सारे के सारे कहाँ के भैया, बूंदी चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार हैं ये। तो आपको क्या कहना है, राम किशन साधु को बूंदी दो, राम किशन साधु को बूंदी दो, इस तरह से आपको इसे याद कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं, बीकानेर चित्र, बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं उनकी ओर देख लेते हैं। देखिए भाई, बीकानेर शैली के चित्रकार क्या कह रहे हैं, रुको चंदू आज क्या क्या बिका, साहब लहसुन मूली कांदा। ये भैया ये कौन है, सब्जी बेचने वाला है, ये कौन है, सब्जी बेचने वाला है, ये मालिक है, ये मालिक ने इसको सब्जी दी है कि तुम्हें सब्जी बेचनी है। तो जैसे ही ये सब्जी वाला इसको दिखता है और ये जाने लगता है तो ये क्या कहता है, ये इसका अधिकारी है तो कहता है रुको चंदू, इसका नाम क्या है, चंदू है, इसका नाम क्या है, चंदू है। ये कहता है रुको चंदू आज क्या क्या बिका है, आपकी सब्जी में क्या क्या बिका है। तो ये कहता है साहब आज तो लहसुन मूली और कांदा बिके हैं, क्या बिके हैं आज, लहसुन मूली और कांदा बिके हैं। तो अधिकारी चंदू से कहता है कि रुको चंदू कहाँ जा रहे हो, आज बताओ मुझे क्या क्या बिका है। तो ये कहता है कि साहब आज तो लहसुन मूली और कांदा बिके हैं। तो ठीक है, बिका से बीकानेर आपको याद रहेगा, बिका से बीकानेर आपको याद रहेगा। देखिए रुको से रुकनुद्दीन, महत्वपूर्ण है, बार बार बीकानेर चित्र शैली से पूछा जाता है। रुको से रुकनुद्दीन, चंदू से चंदूलाल, अली आज से अली राजा, क्या से कायम, क्या से क्या बन जाएगा, कायम बन जाएगा, बिका से बीकानेर बन जाएगा, साहब से साहिबुद्दीन बन जाएगा, लसन से हसन बनेगा, मूली से मुन्ना लाल बनेगा, कांदा से मुकुंद बनेगा। इस तरह से आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, कि रुको चंदू आज क्या क्या बिका, बिका से बीकानेर आपको याद रहेगा। रुको चंदू आज क्या क्या बिका, तो कहता है साहब आज तो कुछ नहीं, लहसुन मूली और कांदा बिका है। अर्थात ये सारे के सारे आपके चित्रकार कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, बीकानेर शैली के चित्रकार आपके ये सारे के सारे संबंधित हैं। तो आपको दो ही वाक्य बोलना है, रुको चंदू आज क्या क्या बिका, साहब लहसुन मूली और कांदा बिका। दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लग रही है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो चित्रकार है या चित्र से जो चित्रकार हैं अगली शैली की वो देखते हैं, उणियारा शैली। कौन सी शैली, उणियारा शैली, उणियारा शैली से संबंधित कौन कौन से वो देख लें। यार मीरा का धर्म बता, क्या करना है आपको, यार उणियारा, यारा से आपको याद रहेगा, यार यारा से यार अर्थात उणियारा, यारा से यार अर्थात उणियारा, आप इस तरह से आप इसको बैठा सकते हैं। तो यार मीरा का धर्म बता, यार उणियारा में उसका दोस्त रहता है कि यार बता मीरा का धर्म कौन सा आया था, मीरा का क्या बता, धर्म बता। तो यार से उणियारा, मीरा से मीरवक्स, का से काशी, धर्म से धीमा और बता से बक्ता। ये सारे के सारे कहाँ से भाई, उणियारा शैली से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, उणियारा से। क्या बोलना है उणियारा में जाकर, यार मीरा का धर्म तो बता। तो यार से उणियारा, मीरा से मीरवक्स, का से काशी, धर्म से धीमा और बता से बक्ता। इस तरह से इसको हम उणियारा शैली को भी याद कर सकते हैं। चलो भाई मारवाड़ के चित्रकार भी हम देख लेते हैं एक नज़र में। मारवाड़ की क्या है, दास भाटी किशन शंकर, दास भाटी किशन और शंकर भगवान, दास भाटी किशन और शंकर भगवान। मारवाड़ के याद रख लेना है हमें क्या, दास भाटी किशन और शंकर भगवान, दास भाटी किशन और शंकर भगवान, दो तीन बार हमें बोलना है। तो किशन दास, नारायण दास, गोपाल दास, शंकर दास, देवदास, शिवदास, अमरदास। देखो यहाँ ये सारे के सारे किससे संबंधित है, दास नाम लग रहा है ना सबके पीछे, जहाँ भी दास आपको दिखाई देगा तो उसका मतलब क्या है, वो किससे संबंधित है, मारवाड़ से। इसलिए दास से तो क्या है, सारे के सारे किशन दास, नारायण दास, गोपाल दास, शंकर दास, देवदास, शिवदास, अमरदास, ये सारे के सारे जिसके पीछे दास लगा हुआ है वो कहाँ से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित। फिर क्या है, भाटी, भाटी देखो वीर सिंह भाटी, छज्जू भाटी, रत्ना भाटी, ये भी कहाँ से संबंधित है, मारवाड़ से। तो दास और भाटी के साथ समझ गए आप, दास लगेगा तो मारवाड़ से, भाटी लगेगा तो मारवाड़ से। ठीक है, किशन और शंकर भगवान, तो आपको ध्यान रखना है किशन और शंकर भगवान, इस तरह से याद रखते हैं। ये किशन हो गया, ये शंकर दास हो गया, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नाथू फैजल अली और सैफू, तो आपको ध्यान रखना है सैफ अली खान, सैफ अली खान भी कहाँ का है, मारवाड़ का है, सैफ अली खान भी कहाँ का है, मारवाड़ का है। तो सैफू से और ये सैफ अली अली और सैफू, ये दोनों भी कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, मारवाड़ के हैं। तो इस तरह से आप सैफ अली खान से इनको याद रखोगे और दास और भाटी से ये सारे के सारे आपको नाम याद हो जाएंगे। तो ये आपके कहाँ के हो गए, मारवाड़ के। तो दास भाटी किशन और शंकर भगवान ये सारे के सारे कहाँ से संबंधित हैं, ये मारवाड़ से संबंधित हैं। चलिए भाई अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना ना भूलें। देखो भाई मेवाड़ के चित्रकार, मेवाड़ के चित्रकार, मेवाड़ महत्वपूर्ण है।
साहब मेवाड़ में मनोहर को हीरे का बॉक्स मिला। साहब मेवाड़ में मनोहर को क्या मिला है? हीरे का बॉक्स मिला है। सब भैरव जी की कृपा है। ये भैया साहब है ये, और ये कह रहा है कि साहब जो है ना मेवाड़ में किसको, मनोहर को क्या मिला? ये हीरे का बॉक्स मिला है। मेवाड़ में क्या मिला भाई? हीरे का बॉक्स मिला है। वो भी किसको मिला है? मनोहर को मिला है। किसको मिला है? मनोहर को मिला है। इसने इसकी शिकायत कर दी है कि साहब मेवाड़ में जो मनोहर है उसको क्या मिला है? हीरे का बॉक्स मिला है। सब भैरव जी की कृपा है। सब किसकी कृपा है? भैरव जी की कृपा है। ये कह रहा है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब किसका आशीर्वाद है? भैरव जी का है। सारी कृपा किसकी है? भैरव जी की है। तो आपको याद रखना है, साहब से साहिबुद्दीन, मेवाड़ से आपको मेवाड़ याद रहेगा ही, मनोहर याद रहेगा आपको, हीरानंद बॉक्स से शोबॉक्स, भैरू से भैरूदास, जी से जीवाराम और कृपा से कृपाराम। तो आपको तो बस इतना सा बोलना है, साहब मेवाड़ में मनोहर को क्या मिला है? हीरे का बॉक्स मिला है। सब भैरू जी की कृपा है। सब किसकी कृपा है? भैरू जी की कृपा है, जिसको हीरे का बॉक्स मिल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, साहिबुद्दीन, मेवाड़, मनोहर, हीरानंद, श्याम, शोबक्स, भैरूराम, जीवाराम, कृपाराम, ये सारे के सारे कहाँ के भैया? मेवाड़ के हैं। सारे के सारे कहाँ से संबंधित हैं? मेवाड़ के चित्रकार हैं। तो ये आपको बिल्कुल निश्चित रूप से याद रहेगा। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण हमने देखे थे वो सारे हो चुके हैं। तो मित्रों आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये सारे चित्रकार याद हुए नहीं, चित्र आपको जो ये सारी की सारी जो ट्रिक हैं वो आपको कैसी लगी, ये भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आएगा। सारी राजस्थान जीके को इसी तरह से ट्रिक्स से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। आप सभी ने क्लास को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।